दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेस एंड थ्री फेस। इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेस और थ्री फेस के बीच में डिफरेंस क्या है, आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे घर में जो सप्लाई रहता है दोस्तों, वो ज्यादातर दोस्तों सिंगल फेस सप्लाई रहता है दोस्तों। सिंगल फेस में क्या रहता है दोस्तों, एक लाइव वायर रहता है मतलब एक हॉट वायर रहता है, और एक दोस्तों न्यूट्रल रहता है मतलब एक ठंडा वायर रहता है दोस्तों, कोल्ड वायर भी आप लोग कह सकते हैं दोस्तों। एक लाइन रहता है मतलब एक हॉट वायर रहता है, एक ठंडा वायर रहता है, कोल्ड वायर रहता है, और एक दोस्तों अर्थिंग रहता है दोस्तों सिंगल फेस में। ठीक है, और दोस्तों थ्री फेस में क्या रहता है दोस्तों, थ्री हॉट वायर रहता है दोस्तों मतलब तीन लाइन रहता है, और दोस्तों एक न्यूट्रल रहता है, और एक दोस्तों अर्थिंग रहता है दोस्तों। सिंगल फेस में दोस्तों 220 वोल्ट होता है दोस्तों, हमारे घर में जो सप्लाई यूज किया जाता है वो 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, सिंगल फेस का दोस्तों सप्लाई होता है दोस्तों। थ्री फेस में दोस्तों 440 वोल्टेज का लाइन होता है दोस्तों। सिंगल फेस जो होता है दोस्तों ज्यादा लोड नहीं ले पाता है दोस्तों, हमारे घर में यूज किया जाता है, जैसे पंखा चलता है, ट्यूब चलता है, उसके बाद सिंगल फेज मोटर चलता है दोस्तों। और थ्री फेज जो होता है दोस्तों वो ज्यादा लोड ले पाता है दोस्तों, 440 वोल्ट का दोस्तों वो लोड ज्यादा ले सकता है दोस्तों, इसलिए हम लोग सिंगल फेज से ज्यादा दोस्तों थ्री फेज यूज करता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े कारखाना में, बड़े बड़े पावर प्लांट में, बड़े बड़े सब स्टेशन में तो थ्री फेज सप्लाई यूज किया जाता है दोस्तों, और कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े ये थ्री फेज सप्लाई यूज किया जाता है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ नया उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।